स्वागत है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जो अब चुनावी माहौल था और जो यहाँ पर काफ़ी बिजी यहाँ पर शेड्यूल जितने भी प्रत्याशी थे उनका यहाँ पे था, तो 8 तारीख तक जो है अब कहीं ना कहीं माहौल थम चुका है। तो हमारे साथ इस समय श्री नैना देवी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से रहा इनका चुनावी सफ़र, बात करेंगे कितना हाईटेक था, कहाँ कहाँ गए, किस तरह की चुनौतियाँ इनके पास थी, और अभी 8 तारीख तक जो है अभी क्योंकि EVM में सभी की किस्मत कैद हो चुकी है और किस तरह से आगे जनता ने क्या तय किया है ये 8 तारीख को यहाँ पर पता चलेगा, पर अभी किस तरह से क्षण ये बिता रहे हैं। सर, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। 12 तारीख को मतदान हुए, काफी बिजी शेड्यूल आपका यहाँ पे रहा, अभी जो है रिलैक्स है 8 तारीख तक, आपकी जो दिनचर्या है किस तरह से चलती है सर? अब देखो, दिनचर्या तो पहले की तरह है, क्योंकि चुनाव के बाद लोग जो है चाहे टेलीफोन पे हो चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, वो हमेशा संपर्क साध के रखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बड़ा हेक्टिक रहा है, मैं आपसे ही शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से मैं ये सोच रहा था कि मैं चुनाव के लिए ही तैयार हो रहा हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, एक तरफ पंजाब लगता है, 7 हलके हैं जो मेरे साथ लगते हैं, तो मैंने जो है वो 6 महीने पहले शुरू कर दिया था। चुनाव की घोषणा के बाद नो डाउट कोई समय कम मिला था, लेकिन मेरे पे उसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि मैं पहले से तैयार था। और साथ में मैं कहूँगा, पंजाब में क्योंकि आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वो ढोल भी फट चुका है, इसलिए उसका हमारे ऊपर कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे सीधा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों में जो है फैल रही है, कई जिस भी मर्जी आप इशू को उठा लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी पहली चीज़ यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में बड़ी है। आप लगा लें, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे कि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या ज़्यादा है, एंड हाउ इट वॉज अबाउट 7 लाख, आज की तारीख में 14.5 से ज़्यादा चली गई, 5 सालों में गई ना। और लोगों को पता चल गया कि ये डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में क्या क्या दे सकती है, जो दिया है, महंगाई कहाँ पे है, किसानों की क्या बदहाली है, और ये एप्पल ग्रोअर है उनका क्या हाल है, ये सारे इशू जो है वो मौजूदा सरकार की असफलताओं में गिने जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई दुनिया भर की महंगाई है आज, जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा है, शहरों में पड़ा है। बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, कर्मचारी, नौजवान जब खुश नहीं है सरकार से, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके परिणाम आप कह रहे हैं 8 तारीख को आ जाएंगे, पॉजिटिव होंगे, इस सरकार का जाना जो है वो तय है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब ये नहीं कह सकते, बड़े बड़े लीडर आ गए यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी को भी लेके आए, सरकारी खर्चे पे रैलियाँ भी होगी, मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैलियाँ भी कर ली, लेकिन उसका प्रभाव लोगों में उल्टा ही पड़ा है। जिस प्रदेश के अंदर जो है वो हम कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं, और कहते थे हम आएंगे तो कर्जे मुक्त प्रदेश को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार के खिलाफ थी, और उसको हमने बनाया भी है, अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा, और लोगों को उसके बारे में सजग भी करवाया। ठीक है सर, आपने ये तो कहा कि मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच में गए, क्या क्या मुद्दे थे, और आपने कहा ये भी अच्छी आपने बात की कि आप 6 महीने से पहले यहाँ पे तैयार थे, क्योंकि काफ़ी समय कम रहा सर, जैसी चुनाव घोषणा भी 18 दिन लगभग यहाँ पर मिले। सर, ये चीज़ जानना चाहेंगे, जो आजकल के 2 दिन चल रहे हैं, यानी कि 12 तारीख के बाद अब 8 तारीख के बीच में, पहले बिजी शेड्यूल था कि अब किस तरह से आपसे लोग मिलते हैं, क्या क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम दिनचर्या की बात कर रहे हैं, क्या आप घर वालों को भी आप टाइम दे पा रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि घर वालों को टाइम चुनाव के समय में कहाँ दिया जाता है, अभी की सर अभी और अब की बात है, अभी छुटपुट घर में भी जाना पड़ता है और लोगों के पास भी रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे लोग चुनाव के समय में कुछ और थे और आज ही जो है ना बदल गए हैं, इसलिए हमारे को लोगों से मिलना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, आप लोगों के बीच में गए, काफ़ी बड़ा जो है विधानसभा क्षेत्र है आपका, विशेष तौर पर आपको चुनौतियां क्या पे वहाँ पे थी, क्या लोगों की समस्या थी जब आप लोगों के बीच में जाते थे, और आप कब प्रचार के लिए निकल जाते, क्योंकि आपने कहा कि आप 6 महीने पहले से ही जो बिल्कुल तैयार थे? देखो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी स्कीमें जिसकी शुरुआत मैंने तब करी थी जब मैं जो है फॉरेस्ट मिनिस्टर होता था, उस समय से लेकर आज की तारीख तक, चाहे वो बड़ी पीने के पानी की स्कीमें हैं, चाहे वो सिंचाई की स्कीमें हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात है, या दूसरे हमारे जो जो भी जो सर्वांगीण विकास के काम हैं,
पाँच सालों में मैं ये कहना चाहूँगा, वो जून महीना नहीं आया, तीन सालों से मैं जून महीना ही सुनता आया कि तनवौल जगात खाना की सिंचाई की स्कीम जो मैंने सेंक्शन करवाई थी, वो पिछले जून में कहते थे कि जून महीने में ये लोकार्पण हो जाएगा, फिर कहा गया कि महेंद्र सिंह जी ने अब अगस्त महीने अगले साल हो जाएगा, तो अगस्त भी निकल गए। ऐसे ऐसे कई स्कीमें हैं, मेरी चंगर एरिया की स्कीम है जिसमें लोगों को पानी कागज़ों में दे दिया, लेकिन वो जो पानी नहीं गया नीचे, जो है ना लोगों को ज़मीन तक पानी नहीं पहुंचा। जो मैंने पूछा तो मुझे उत्तर क्या मिला था कि इसमें 22 करोड़ रुपये और लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, तो जो पहले हमने जो है ना 100 करोड़ रुपये खर्च किया, उससे ज़मीन जो है वो कागज़ों में तो आपने सिंचित कर दी, लेकिन वो ज़मीन पे पानी क्यों नहीं गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोगों के सामने हैं, और किसानों को, जो किसानों को भी है उसकी कीमत मिल नहीं रही है, किसान जो ख़रीदता है वो महंगी चीज़ें खरीद रहा है, उनके ऊपर जो है वो कोई अंकुश नहीं है, और जो जो किसान पैदा कर रहा है उसकी जो है वो बड़े अदानी अंबानी जो है वो हमारी कीमत जो है वो तय करेंगे। अब सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे सीमेंट की फैक्ट्री एक बिलासपुर में है, क्योंकि मैं घिरा हूँ उनसे, क्योंकि उनका जो आउटलेट है वो सारा बिलासपुर से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है। ब्रह्माणा के प्लांट हैं, वो भी अदानी ने खरीद लिए। अब आप मेरे को बताएं कि खरीदने के बाद एक प्लांट बंद हो गया, अब वहाँ पे छटनी हो रही है, वही दाड़ला में आ गया, एक ही मालिक ने ले ली ना। आज मैं कल दाड़ला से जब आया था तो लोग मुझे वहीं पे घेर के बैठ के, और वहाँ पे जो है ना बड़े पैमाने पे छटनी हो रही है, और कह रहे हैं कि नहीं जी मालिक को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है वो जो ट्रक लगे हैं उनका भाड़ा भी कम होगा, जो कर्मचारी हैं उनको हटाया जाएगा, उसकी जगह दूसरे आदमी लगाए जाएंगे। मैं कहूँगा इस प्रकार से अगर देखा जाए, कोई अगर मान लो प्रधानमंत्री के नज़दीक है, तो जो हमारी सोशल जो कमिटमेंट्स है लोगों से, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है, और वो मैं कहूँगा कि मौजूदा सरकार तो कर नहीं पाई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन बातों के ऊपर हम देखेंगे। बिल्कुल सर, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब तमाम मुद्दों को यहाँ पर देखेंगे। सर एक चीज़ थोड़ा सा पॉलिटिकल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल हमेशा यहाँ पर नज़र आता है, लोगों का ये कहना है कि बिना दूल्हे के बारात थी, जो विपक्ष का या बिना दूल्हे के जो यहाँ पर कांग्रेस थी, इनकी सीएम का कोई चेहरा सामने नहीं था, सीएम के दौड़ में सभी है, इसको जो ये करते हैं, आपको इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, आपकी जो जो विपक्ष द्वारा ये हमेशा सत्ता पक्ष द्वारा ये हमेशा ये बताया जाता है कि जो कांग्रेस है वो बिना दूल्हे की बारात है। मैं आपसे एक बात कहूँ, दूल्हा तो प्रेम कुमार धूमल भी था, ही वॉज डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया था। कारण क्या था कि वो दूल्हा भी गया और उसके साथ जो प्रपोज्ड मिनिस्टर थे वो भी गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये छोड़ दीजिए प्रजातंत्र की जो परंपरा है उसके ऊपर, इलेक्ट होके एमएलए आएंगे, उसके बाद जो है ना पार्टी हाईकमांड देखेगी, उसके बाद दूल्हा सामने आ जाएगा आपके। आप क्यों चिंतित है इसके बारे में कि बिना दूल्हे की बारात जो है ना, हम बिना दूल्हे की बारात भी निकाल देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है वो अपना नेता जो है वो हमेशा नहीं किया है डिक्लेयर। और जहाँ पे दूसरी, आप पंजाब में देखो पूर्व मुख्यमंत्री सारे हार गए, उत्तराखंड में देखो क्या हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो दूल्हा है, ये दूल्हे कई बार जो है ना ख़राब करते हैं। ये अच्छा हुआ है यहाँ पे जो है ना हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा है, और कोई जो है वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ। सर आपका सर जीवन पूरा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए गया, काफ़ी आपने समय जो है अपने कांग्रेस पार्टी के लिए दिया, आप भी काफ़ी वरिष्ठ है सर, आपको क्या लगता है सर, आपने इतना टाइम दिया, आप भी मुख्यमंत्री, तो जो जो बातें भविष्य के गर्भ में है, जो मैं सोचता हूँ वही ठीक नहीं है, जो परंपरा है, जो उसके जो मैं कहना संवैधानिक तरीके से जो जो चीज़ें निपटी जाती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी और थोड़ी नहीं ठीक आएगी, और वो जो है एमएलए वो अपना फैसला करेंगे, हाई कमांड की मर्जी से जो है ना नेता चुना जाएगा। आखिरी सवाल, समीकरण सर आपके क्या बोलते हैं पूरे ऑल ओवर हिमाचल की अगर हम बात करें? गवर्नमेंट हमारी होगी, इजी होगी, और मैं आपसे कहना, मैं 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इजी मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की आ रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो पूरे बहुमत के